हेलो होम ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन होम्स यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं सेक्टर 18 राजविहार अपार्टमेंट। आप देख सकते हैं कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेंटेन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर आज 3 BHK 2 बाथ का बड़ी साइज का फ्लैट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको 5 बालकोनी मिलती हैं और हर बालकोनी में आपको धूप मिलती है। वास्तु परफेक्ट एग्जिट एंट्री है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एग्जिट एंट्री का फ्लैट है। तो सुबह की पहली किरण से लेकर शाम तक की आपको पूरी धूप मिलती है। सोसाइटी के अंदर आपको कम्युनिटी हॉल मिल जाता है, जो कि आपका फुल्ली AC है। इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर आपको पार्क मिल जाता है, रिजर्व फ्लैट के साथ पार्किंग मिल जाती है। तो जल्दी से दिखाते हैं आपको ये मन को जीत लेने वाला फ्लैट। तो हम आ गए हैं हमारे कॉरिडोर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 लिफ्ट मिल जाती हैं और पूरा साफ सुथरा वेंटिलेटेड आपका कॉरिडोर यहाँ पर ये रहने वाला है। और आपको जो है स्टेयरकेस मिल जाती है, यहाँ पर एक उधर है, एक यहाँ पर है, 2 आपको स्टेयरकेस मिल जाती हैं यहाँ पर। ये आपके फ्लैट की जो है, हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 फ्लैट हैं एक फ्लोर पर और ये रहने वाली है आपके फ्लैट की मेन एंट्री। जो फ्लैट का नंबर है वो टोटल नंबर 5 बनता है और नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको एंट्री बता ही दी है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही आपको यहाँ पर बहुत ही स्पेशियस एल शेप का ड्रॉइंग डाइनिंग नज़र आता है। तो मतलब आपका जो है बहुत ही स्पेशियस यहाँ पर जो है आप 6 चेयर का 8 चेयर का डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी सोफा सीटिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको अंदर भी स्टोरेज स्पेस, नीचे भी काफ़ी सारा मिलता है। तो आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर काउच जैसे प्लान कर सकते हैं, लेकिन और आप जो है दीवार को थोड़ा सा मतलब पीछे तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हो जाएगी कि मेन ड्राइंग रूम की दीवार है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आधे को आप एज ए स्टोरेज स्पेस यूज़ कर सकते हैं, आधे में आप जो है काउच प्लान कर सकते हैं, उस हिसाब से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आप जो है अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से जब बात करते हैं तो वो तो आपको एन नंबर्स ऑफ आइडियाज़ बता ही देते हैं कि काम आपको कैसे कराना है। हमारे पास इंटीरियर की पूरी टीम है, तो बिल्कुल बेसिक काम के साथ ये फ्लैट आता है। और अगर आपको इंटीरियर इसमें कराना है तो हम आपको वो टीम भी दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि ये आपके साथ बड़ी आपकी यहाँ पर बालकोनी रहने वाली है। तो मतलब कि आपके ड्राइंग डाइनिंग के साथ अटैच यहाँ पर आपको जो है ये आपका ड्राइंग डाइनिंग है, बड़े साइज़ का आपका यहाँ पर ड्राइंग डाइनिंग है, काफ़ी अच्छे रूम साइज़ हैं। और यहाँ पर ये आपकी अटैच बड़ी बालकोनी रहने वाली है, जो कि आपकी ईस्ट और साउथ की धूप यहाँ पर आएगी। ये जो है आपका पूरा ईस्ट रहने वाला है, तो साउथ और वेस्ट तो आपके फ्लैट के अंदर पूरे दिन की घूमती धूप वाला आपका ये घर रहने वाला है। बिल्कुल साथ में आपकी जो है मनोकामना अपार्टमेंट, आपकी राष्ट्रीय अपार्टमेंट, साथ में आपका सत्यम अपार्टमेंट, तो बहुत ही डिमांडिंग लोकेशन, डिमांडिंग सोसाइटी है। और बिल्कुल अगर आप सामने मेरे देख सकते हो तो जो वो ब्लू ब्लू सा आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन है, सिटी सेंटर मॉल। यहाँ से सारी चीज़ें जो है बिल्कुल पास में पड़ती हैं। और सेक्टर 18 के अंदर ही आपको जो है वेंकटेश्वर जो है आपका स्कूल, सचदेवा स्कूल, और साथ में आपका जो है यहाँ पर हॉस्पिटल आपको बहुत ही पास मिल जाता है। पार्क आपको भर भर के मिलते हैं, बिल्कुल सोसाइटी के बिल्कुल साथ में ही जो है DDA का बड़ा पार्क है। और पूरी ग्रीनरी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ग्रीन पैच छोड़ा गया है, तो बड़ा ही अच्छा यहाँ से आपको व्यू मिलने वाला है। और ये आपकी रहने वाली है बालकोनी। तो ये जो फ्लैट है हमारा, ये 10th फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऊपर पूरी छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो अगर मैं अब फ्लैट के आपके पैटर्न की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम है, कॉमन वॉशरूम है, सेकंड बेडरूम है, थर्ड आपका मास्टर बेडरूम है, और यहाँ पर आपकी है किचन। तो सबसे पहले आपको आपकी किचन दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपकी किचन है और किचन का साइज़ जो है वो आपको अच्छा खासा बड़ा साइज़ मिल जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर अटैच आपको एक ही छोटी बालकोनी मिल जाती है, जिसके अंदर आप जो है यूटिलिटी एरिया प्लान कर सकते हैं। आप जो है बालकोनी, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको वेंटिलेशन के लिए किचन के साथ बालकनी मिल जाती है, तो वहाँ पर आपको 2 फायदे आपको बड़े अच्छे हो जाते हैं। एक कि आपका सर्वेंट, अगर आप चाहते हैं कि वहीं पर ही कपड़े धोले, काम कर ले, बाहर बाहर का काम सारा बाहर ही होता रहे, तो एक आपको ये बेनिफिट हो जाता है, आपको किचन को वेंटिलेशन मिल जाती है। और दूसरा ये कि अगर आपको बड़े किचन का शौक है, तो आपकी वो डिज़ायर यहाँ पर फुलफिल हो जाती है कि आप अपनी किचन को पीछे तक बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपकी किचन का पैटर्न रहने वाला है। अब मैं आपको आपके तीनों रूम दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपका फर्स्ट बेडरूम। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट बेडरूम रहने वाला है।
साइज आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा आपको साइज मिल जाता है। और आपके फर्स्ट बेडरूम का एक्सेस भी आपकी बड़ी बालकोनी में है। बड़ी सी आपको अलमीरा यहाँ पर मिलती है और दीवार के अंदर ही है। और यहाँ पर जो है आपका विंडो भी वेंटिलेशन के लिए दी गई है। तो आप स्प्लिट एसी प्लान करें, विंडो एसी प्लान करें, जैसे भी आप प्लान कर सकती हैं। और यहाँ पर ये आपका जो बेडरूम है ये आपका 12x12.5-13 के आसपास का यहाँ पर जो है आपको साइज मिल जाता है आपके फर्स्ट बेडरूम का अटैच बालकनी के साथ। और यहाँ पर आपका आ जाता है ये कॉमन वॉशरूम। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉमन वॉशरूम है जहाँ पर आपका बाथ एरिया अलग किया गया है। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है और इसी का एक्सेस आपके सेकंड बेडरूम से आपको मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये रहने वाला है आपका सेकंड बेडरूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बेड लगा हुआ है और बेड लगने के बाद भी दोनों तरफ आपको अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। बड़ी आपको अलमीरा मिल जाती है कि यहाँ पर अभी जो है ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर प्लान किया गया है। अगर आप के पास सामान थोड़ा ज़्यादा है और अगर आप स्टोरेज स्पेस चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी जो है बड़ी बड़ी यहाँ पर 3 अलमीरा प्रॉपर साइज की आपकी यहाँ पर बन जाती हैं। तो ये जो है आपको स्टोरेज स्पेस यहाँ पर जो है अच्छा खासा मिल जाता है। और आप ये देख सकती हैं कि जो इतना बड़ा ये टेबल है उतनी बड़ी टेबल वहाँ पर भी लगी हुई है। तो आपके बेड को जो है पूरा इधर से जो है आप घूम सकते हैं आराम से। झाड़ू लग जाएगी दोनों तरफ आपका जो है, आपकी जो है साइड टेबल आ जाएगी और पूरी प्रॉपर आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है जहाँ से आपका जो है जनक अपार्टमेंट का व्यू है। और वॉशरूम आपका जो है यहाँ पर ये रहने वाला है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बालकोनी। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपकी अटैच बालकोनी रहने वाली है। तो ये जो बालकोनी है यहाँ पर जो ये विंडो एसी है ये आपके फर्स्ट बेडरूम का है। तो अगर आप चाहें तो आप जो है यहाँ पर भी बालकोनी के अंदर एक्सेस ले सकते हैं। बाकी आपकी उस वाले रूम की बालकोनी का एक्सेस बड़ी वाली बालकोनी में तो है ही, तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा बढ़ा के या जो है आप एक्सेस लेकर जैसे चाहें आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए ये आपकी पूरी बालकोनी रहने वाली है, बड़े साइज़ की बालकोनी रहने वाली है जहाँ से आपका जिसमें आपकी साउथ की पूरे दिन की यहाँ पर धूप रहेगी। क्योंकि ये जो है पूरा ये साउथ है और इधर जो है पूरा वेस्ट है। तो इसलिए इस बालकोनी के अंदर और थर्ड बेडरूम की बालकोनी के अंदर जो आपका मास्टर बेडरूम है पूरे दिन की आपको धूप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जो आपका व्यू है ये अभी जो है नेट यहाँ पर लगी हुई है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कि बिल्कुल कुछ इस तरह से कि रोड का, पार्क का, ये जो पूरी बेल्ट है ये ग्रीन बेल्ट यहाँ पर छुटी हुई है। तो आगे सामने यहाँ पर डीडी का पार्क है। तो मतलब आपको जो है पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी बालकोनी रहने वाली है और रूम के साइज काफ़ी अच्छे हैं। काम आपको ये है कि अगर आपको ये फ्लैट रेंट पर देना है तो रेंट के हिसाब का आपके फ्लैट के अंदर काम हो रखा है। अगर आपको अपने हिसाब से मतलब जो है रहना है अभी तो बिल्कुल आप जो है फिर काम करवा सकते हैं। तो फ्लोरिंग आपको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजे और फॉल सीलिंग हो जाएगी, अलमीरा वगैरह नहीं बन जाएंगी तो फ्लैट जो है बिल्कुल मुंह से बोलेगा। और अभी मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखा रही हूँ। तो ये देखिए आपका जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का साइज आपको यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर जो है मिलता है। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर साइड टेबल लगी हुई है, यहाँ पर आपकी साइड टेबल लगी हुई है और बेड के दोनों तरफ आपको जो है बहुत अच्छा यहाँ पर जो है स्पेस देखने को मिल जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर ये आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। और स्टोरेज की समस्या आपके इस वाले रूम के अंदर भी बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी प्रॉपर 3 अलमीरा जो है वो बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है, ऊपर यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर जो है विंडो है तो वेंटिलेशन के लिए है। अगर आप इसे रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो क्योंकि आपकी बड़ी बालकोनी है जहाँ पर आपका जो है कुछ भी नहीं है सामने, तो वेंटिलेशन आपके कमरे में बालकोनी से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप जो है यहाँ पर चाहें तो एक और स्टोरेज स्पेस या पूजा रूम या कुछ भी आप जैसे चाहें, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है तो आप जो है यहाँ पर पूजा मंदिर का स्थान भी आप बिल्कुल जो है प्लान कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब घर जो है वो पूरा बहुत ही अच्छा मतलब जो है तरीके से है, पूरे दिन की धूप वाला है, वास्तु परफेक्ट है, बड़ी बड़ी बालकनी है। मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये आपका अटैच यहाँ पर वॉशरूम रहने वाला है और वॉशरूम का साइज़ आप देख सकते हो कि अच्छा खासा बड़े साइज़ का आपका यहाँ पर ये वॉशरूम आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपके मास्टर बेडरूम के साथ अटैच आपको मिल जाती है बालकनी जहाँ से आपका जो व्यू है वो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आपका यहाँ से जो है व्यू रहने वाला है। मतलब कि व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम अक्सर टॉप फ्लोर इसीलिए जो लोग प्रेफर करते हैं तो इसलिए करते हैं कि व्यू आपको अच्छा मिले, धूप मिले बढ़िया और जो है
अभी इसमें जो है टॉप फ्लोर में कई बार हम अवॉइड करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पर पूरी छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो छत आपकी तपती ही नहीं है, उल्टा बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो अगर जैसे और छत जो है खुली भी रहती है तो आप जो है बिल्कुल ऊपर कभी आपका मन हो घूमने का तो आप बिल्कुल घूम सकते हैं। बाकी जो है आपकी सोसाइटी जो है वो पूरी प्रॉपर मेंटेन सोसाइटी है, बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं साइड से भी, कहीं से भी आप देखें सोसाइटी पूरी मेंटेन सोसाइटी है, आपकी व्यू बहुत अच्छा है। तो आपकी बालकनियों के साइज़ बहुत बढ़िया है और उस हिसाब से फ्लैट की जो डिमांड है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस फ्लैट की 3 BHK 2 बाथ की बड़े बड़े कमरों वाले 5 बालकनियों वाले फ्लैट की डिमांड है केवल 2,68,00,000 रुपए। प्राइस आपका नेगोशिएबल रहने वाला है और नेगोशिएबल की गुंजाइश इसमें जो है बिल्कुल, आप फ़ोन करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कितनी है, लेकिन हाँ अच्छी खासी है। और इस टाइम पर जो भी 2.5 करोड़ के बजट के जो फ्लैट चले हुए हैं द्वारका के अंदर, उनमें से ये फ्लैट वाकई में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोकेशन बड़ी प्राइम है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा मेंटेन है, भले ही टॉप फ्लोर है लेकिन गर्मी नहीं है क्योंकि ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये मौका है जिसे आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अगर आप द्वारका में अभी जो है घर का प्लान कर रहे हैं और सेक्टर 18 जैसी प्राइम लोकेशन में आपको इतना अच्छा फ्लैट मिल जाए तो बिल्कुल आपको जो है छोड़ना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप द्वारका या द्वारका एक्सप्रेस वे पर अपने लिए 2 BHK 3 BHK कमर्शियल या प्लॉट में कोई भी इन्वेस्टमेंट रहने के लिए आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। चिलर होम्स की पूरी टीम आपके साथ हैं आपको हैसल फ्री वे से घर दिलाने के लिए। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू।